अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। नमस्कार, मेरा नाम है करुणा। आप सभी का SM न्यूज़ पर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं समाज की सबसे बड़ी सेविका अर्चना सिंह गौतम जी। अर्चना सिंह जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को महिलाएं इतना क्यों मानती है, ऐसा उन्होंने क्या कार्य किया है जो इस कारण उन्हें महिलाएं बहुत मानती हैं? मैं अर्चना सिंह गौतम जी SM न्यूज़ के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और मैं बाबा साहब के लिए चार लाने बोलूँगी। दोस्तों, बाबा साहब के विषय में जब हम सोचते हैं तो बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि बाबा साहब को मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई। क्योंकि हमारे देश में इतिहास को या तो बदल दिया जाता है या फिर हमको उससे भटका दिया जाता है। हिंदू कोर्ट विल बाबा साहब की अध्यक्षता में कार्य चल रहा था जिसमें साथ दे रहे थे शासन के मुखिया। हिंदू कोर्ट विल बाबा साहब के पार्लियामेंट में जब आने की नौबत आई, महिलाओं के लिए समान अधिकार देने की व्यवस्था थी, परिवार में अधिकार, संपत्ति में अधिकार, महिलाओं के लिए बराबरी का हक देने की व्यवस्था थी। क्योंकि बाबा साहब किसी को भी शोषित, वंचित, पीड़ित देख ही नहीं सकते थे। बाबा साहब का इंसाफ तो देखिए, जब यह आवाज़ हिंदू कोर्ट विल पार्लियामेंट में आवाज़ उठी, हिंदू कोर्ट फो में तो भूल गई, चलो छोड़ो, क्या मैं कट जाएगा? हाँ, कुछ भी। अच्छा, उस समय की सरकार के सामने जब ये आवाज़ उठी तो टिक नहीं पाई और आवाज़ दब गई कि भारत में ऐसा कैसे हो सकता है कि महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया जाए। महिलाएं तो बहू बनकर ससुराल चली जाती हैं और 50 प्रकार के भय पैदा किए गए। उस वक्त बाबा साहब ने कहा कि यदि भारत में नारी को बराबरी का सम्मान नहीं मिलता है तो बाबा साहब भी इस सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। और बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार दिलाए थे। महिलाओं को पढ़ने के लिए अधिकार नहीं होता था, महिलाओं को परिवार में कोई अधिकार नहीं होता था, संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता था, महिलाओं को सर्विस करने का कोई अधिकार नहीं होता था, जो कि बाबा साहब ने किया था। बाबा साहब ने इतना कुछ महिलाओं के लिए किया है जो कि कोई कर नहीं सकता है। आज यदि हम इतना आगे बढ़े हैं, पढ़े हैं, तो बाबा साहब की बदौलत हैं। आज बाबा साहब ने हमको घर में रहने का भी, घर से बाहर निकलने का भी अधिकार दिया है और पढ़ने का भी अधिकार दिया है, जहाँ तक सर्विस करने का अधिकार दिया है। आज हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को और बहुत अच्छे से खुलकर रहते हैं, जैसा कि सभी रहते हैं। और ये अधिकार केवल दलित महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि हर वर्ग की महिलाओं के लिए दिया है। पहले महिलाएं 12 घंटे ड्यूटी करती थी, सभी लोग 12 घंटे ड्यूटी करते थे, बाबा साहब की वजह से 8 घंटा किया गया और महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई, जिसकी वजह से महिलाएँ भी आगे पढ़ सकती हैं, बढ़ सकती हैं और खुशी से रह सकती हैं। भारत में नारी को बराबरी का अधिकार नहीं मिलता है तो बाबा साहब भी इस सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे और उन्होंने सरकार को ही छोड़ दिया था। ऐसे थे हमारे बाबा साहब, इसीलिए सभी महिलाएं बाबा साहब का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करती हैं। इसी वजह से बाबा साहब को सभी महिलाएँ बहुत मानती हैं, दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हैं। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।